संदेश वो फैल रहा है, सब तक पहुंच जाएगा। उसमें भी मैंने यही बात बोला है कि सेवा करने के लिए पुलिस है, शासन करने के लिए नहीं है। पुलिस को अपने आप को जनता के रूप, जनता के सामने सेवक के रूप में उपस्थापित करना होगा, व्यवहार में, आचरण में, एटीट्यूड में सुधार करना। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब खुद अपराधियों पर नकेल कसने के लिए फील्ड में उतर चुके हैं। गुप्तेश्वर पांडे लगातार मीडिया से बातचीत में और अपने फेसबुक लाइव के द्वारा लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि लोग उनकी मदद करें, उनको सूचनाएं दें और वो उन पर कार्रवाई करेंगे। डीजीपी ने कहा है कि सूबे में अपराधियों को अब किसी भी कीमत पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों से लोहा लेने के लिए मैं भी मैदान में जाऊंगा। डीजीपी ने कहा कि हम एसी चैम्बर में नहीं बैठने वाले, बल्कि अपने जवानों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी एक पुलिसकर्मी हूं, मेरे जवानों की जान सस्ती नहीं है। जाहिर है कि गुप्तेश्वर पांडे के प्रभार संभालने के बाद से बिहार में लगातार कई ऐसे बड़े खुलासे हुए। अभी सबसे लेटेस्ट खुलासा मुजफ्फरपुर के मुथूट फाइनेंस में लूट का मामला है, जिसमें तकरीबन 10 करोड़ से अधिक के सोने को लूटा गया था और 72 घंटों के अंदर ही बिहार पुलिस ने उसको बरामद कर लिया। इसके साथ ही साथ 3 अपराधियों को भी दबोचा। इधर मुथूट फाइनेंस ने 30 लाख रुपए इनाम देने का घोषणा किया है बिहार पुलिस को। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे के पदभार संभालते ही पहले वो नालंदा, उसके बाद बक्सर का भी दौरा कर चुके हैं। अचानक वो थाने में पहुंचते हैं और वहां पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। पटना में भी 2 थानेदारों पर गुप्तेश्वर पांडे की मौजूदगी की गाज गिरी। जब उन्होंने अनियमितता पाई तो उन्होंने कार्रवाई की। आपको बता दें कि अपराधियों से मुठभेड़ करने की बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले गोली अपने सीने पर खाऊंगा, इसके बाद ही। डीजीपी ने यह भी कहा कि वैसे पुलिस पदाधिकारियों और एसपी पर भी होगी कार्रवाई जो थानों में नियमित तौर पर निरीक्षण नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार को लगता है कि एक नया सिंघम मिल चुका है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।